नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। आज हम जानेंगे कि आपको माता रानी की पूजा कैसे करनी है। पहले दिन नवरात्रि के, इसमें आपको वंदे वांछित लाभाय चंद्र धृत कृत शेखराम वृषारूढ़ाम धूल शुद्राम शैलपुत्री यश शिवनिम। इसका अर्थ है, माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। नंदी पर विराजमान माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा यही है। पूर्व काल में ये प्रजापति दक्ष की कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। इनका विवाह शंकर से हुआ। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। शंकर जी को यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया गया। सती ने जब यह जाना कि उनके पिता विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तो पिता के घर जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति नाराज हैं। ऐसी स्थिति में सती का वहां जाना किसी भी प्रकार के श्रेष्ठकर नहीं होगा। सती ने शंकर का कहा नहीं माना और वो दक्ष के घर चली गई। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि उनसे कोई नहीं बोला, कोई भी उनका आदर नहीं कर रहा है। इस व्यवहार से उनके मन में दुख हुआ। इससे अधिक थी कि भगवान शंकर की उपेक्षा, यह उनसे सहन नहीं हो पाया। अपने पति भगवान शंकर की इस अवमानना को सती सह न सकी। उन्होंने अपने सती स्वरूप को योगाग्नि में भस्म कर दिया। शिव के गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति भी शीश विहीन हो गए। योग अग्नि में भस्म होने से पूर्व सती ने शंकर जी को ही वर के रूप में मांगा था। अगले जन्म में सती ही हिमालय की बेटी अर्थात शैल पुत्री बनी। पूर्व जन्म की भांति नए जन्म में भी वो शिव जी की अर्धांगनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैल पुत्री है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।